तो हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैं सागर चैनल। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए पॉलिटेक्निक का जो है एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं और आप जो है प्रश्न जो है सॉल्व करती रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस का ही देन जो है मेहनत जो है आपका जो है रंग लाएगा। तो देखिए दिया इसमें प्रश्न है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज तथा एक आयत का परिमाप समान है तथा 24 मीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कड़ी में 3:2 हो तो आयत की लंबी भुजा क्या होगी, यानी पूछ रहा है इसमें। तो इसमें एक चीज़ आ रहा है, आप देखिए दिमाग से, ये इसमें एक समबाहु त्रिभुज तथा एक आयत का परिमाप समान है कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें जो कह रहा कि जो है इसका ये त्रिभुज तथा एक आयत का दोनों का परिमाप समान है। तो मान लीजिए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 मीटर और आयत की लंबाई चौड़ाई जो है अलग मान लेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज हम बनाएंगे, मान लीजिए त्रिभुज जो समबाहु होता है तो यहाँ हम इसको हल करेंगे। तो माना त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समान होता है। माना त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, ठीक है, तथा आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः तथा आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ए एवं बी है, ठीक है, मीटर है। तो ये त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये हो जाएगा, का परिमाप ये हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। 3x क्या है, ये 24 दिया है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये दिया है कि समान है और 24 मीटर है। तो 3x बराबर 24, यानी x बराबर हो जाएगा 24 बटा ये 3 हो जाएगा, यानी 8 मीटर आएगा ये कटकर, ठीक है। अब ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल होता है देखिए इसका सूत्र याद करना ज़रूरी है, ठीक है। क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री बाई फोर होता है। एक जगह क्या है एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। अब यही हमारा दिया है, इसका मान जो दिया है यहाँ रख देंगे हम, 8 आया है तो 8 रख देंगे यहाँ, तो 8 स्क्वायर अंडर रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा। ये 64 अंडर रूट थ्री बाई फोर, फोर से काट देंगे, 4 4 6 24, यानी आ जाएगा 16 कड़ी में ये 3 आ जाएगा जो है, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। चूँकि आयत का परिमाप अब याद करेंगे हम, आयत का परिमाप दिया है, देखिए कह रहा है आयत का परिमाप दिया है ये, यानी ये आयत का लंबाई चौड़ाई माने थे तो वही परिमाप इसका हो जाएगा। ये भी 24 मीटर देखिए दिया है, समान है तथा 24 मीटर है, ठीक है। इसमें आयत का भी परिमाप तो कह रहा है ये इसके बराबर, इसलिए होगा यहाँ ये हो गया a प्लस बी बराबर ही हो गया, 2 से भाग देंगे तो 2 कर्म 2 ना, ये 12 हो गया, ठीक है। अब निकल गया। अब यहाँ ये भी कह रहा है कि इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात कणी में दिया, उनके क्षेत्रफलों यानी समबाहु त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफलों का अनुपात कणी में 3:2 दिया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसका उसका अनुपात हम निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे यहाँ से, तो हम ऐसे करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, ये दिया कणी में 3/2। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 16 कणी में 3 आया है, और इसका कितना आया आयत का क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ए गुणे बी हो जाएगा कणी में 3/2। अगर कणी में 3 से 3 ये कट गया, 16/AB बराबर 1/2, यानी तिरछक गुणा कर देंगे तो ए बी बराबर 16 दुना ये 32 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा a प्लस बी तो निकला हुआ है, ठीक है, और ये भी निकल गया, तो हमको a माइनस बी का निकालना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए निकालना है, क्योंकि तभी ये सॉल्व हो जाएगा। एक दिया है a प्लस बी बराबर 12 दिया है, ठीक है, और ये दिया है ab बराबर 32,
तो यहाँ a माइनस बी ज्ञात करने के लिए हम वो फार्मूला लगाएंगे जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी होता है ना, उसमें रख देंगे तो ये 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 32 144 हो गया, ये 4 × 8 = 12, ये मिलजुल कर यहाँ से ये आ गया a माइनस बी बराबर 4 आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 34 × 34 ये इतना हो जाएगा, 4 × 8 = 12, ये घटाएंगे ये 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया, अब यहाँ से इसको हल करेंगे a प्लस बी और इसको लेकर, तो ये है a बराबर 8 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।